मनिहारी प्रखंड के बाघार पंचायत के मेदनीपुर वार्ड संख्या 2 में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर का पोल खतरे को आमंत्रण दे रहा है। यहां ट्रांसफार्मर का पोल 20 से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे विद्युत विभाग द्वारा अब तक नहीं सुधारा गया है। इस कारण किसी भी समय यहां कोई अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते ग्रामीणों को खौफ के बीच जीना पड़ रहा है। स्थानीय शेख रब्बानी ने बताया कि ट्रांसफार्मर के नजदीक का एक पोल भी क्षतिग्रस्त होकर झुक गया है, जिसकी वजह से बिजली का हाई वोल्टेज तार बाढ़ के पानी से एकदम नजदीक छूल रहा है। इसको लेकर यहां के लोग बाढ़ के पूर्व से ही बिजली विभाग के अफसरों को फोन कर रहे हैं, लेकिन फोन पर अफसरों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया। विभाग द्वारा जर्जर पोल को बदलने की जहमत अभी तक नहीं उठाई गई है। ये समस्या ये है कि ये पोल जो देख रहे हैं आप, ये पोल और ट्रांसफार्मर सहित ये कभी भी गिर के बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए हमने जानकारी फोटो खींच के वीडियो बना के जेई साहब को, मनिहारी के जो बिजली विभाग के ऑफिसर है, उनको 3 महीना पहले दे चुका हूँ। यहाँ तक के फ़ोन में भी बात किए 3 महीना पहले, तो बोले कि ठीक है देख लेते हैं देखेंगे हो जाएगा, ऐसा बोल के वो आश्वासन दिया। फिर अभी बाढ़ आने से जस्ट 11 तारीख को पानी घुसा है इसमें, 11 अगस्त इससे 8 दिन पहले भी एक बार फ़ोन किया, जेई साहब बाढ़ पानी आने वाला है, ज़रा इस पर गौर कीजिए आप, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पीछे भी एक पोल गिरने वाला है, तार 2 उंगल पानी से दूरी पर था बचा हुआ, सिर्फ जो पोल का तार गया हुआ है वो पानी में सट रहा था। अगर सट जाता, 1 इंच पानी और उठता तो सट जाता वो। इसके लिए भी जानकारी दिए, फोटो खींच के दिए, वीडियो भेजे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। अगर ये खुदा न खास्ते गिर जाती है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और पूरा मेदिनीपुर को इससे लाइट जाता है, वो लाइट्स में भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निदान हो, सुधार हो इसका, ट्रांसफार्मर का और वो पोल का पीछे का, और तार ऊपर किया जाए जो झुक गया है, ताकि नुकसान होने से बचे जान माल की। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर विद्युत विभाग में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन और विभाग को समय रहते इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई संभावना ही ना रहे। पोल का समस्या यही देख रहा हूँ कि पीछे वाला पोल पूरा झुक चुका, अब बाढ़ पानी से आया था, उसमें टच होके हल्का पूरा आगिन फेंक दिया था, और आँखें से भी देखे और बहुत आदमी ने भी देखा, क्रैक भी हो गया, और ट्रांसफार्मर से वाला पोल से पूरा क्रैक है। मतलब कभी भी खतरा आदमी में, माल जाल में किसी भी वक्त खतरा हो सकता है। इसका कोई समस्या नहीं कि किस टाइम क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अन्नर तूफान भी चलता है, सब कोई देख के नहीं है। तो इसका हम लोग चाहते हैं कि पोल को जल्दी से जल्द सुधार हुए, वो पोल को भी सीधा करे, चाहे पोल को बदले। तासीम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।